नमस्कार, मैं विशाल अखबार फिर से आप सभी का स्वागत है। संघ ने गौ सेवा किया है, हाँ हाँ मोहन भागवत ने गौ सेवा किया है, वीडियो भी सामने आ गया। लेकिन संघ तो आखिर संघ ही है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसका डगर डगर पर विचारधारा बदल जाए उसे ही संघ का साक कहते हैं। तो इनके जो वैचारिक बदलाव है जगह जगह पर हो जाते हैं, समय के अनुकूल ये अपनी विचारधारा तय कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में गाय इनके लिए माता नहीं है, लेकिन वही अगर नॉर्थ इंडिया में आ जाए वहां गाय हमारी माता है। अब आपको मजाक लगेगा, पूर्वाग्रह दिखेगा, तो इनको भी सुनिए आप। इसका धर्म से क्या संबंध है? ब्रीफ एक एक जीवन पद्धति का विषय है, एक लाइफस्टाइल का इशू है। प्रॉब्लम आती है जब इसको धर्म के साथ जोड़ते हो। अब ब्रीफ लोगों के निजी चॉइस का मामला है, इसको किसी धर्म से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। ये राम माधव संघ के बड़े नेता है, तो वो भी सरसंघ चालक, ये संघ के बड़े नेता। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी भी आरएसएस से आते हैं, वो भी 2014 से पहले किस तरह से बोला करते थे। स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर वन है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप है, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। देखिए इनकी पीड़ा, हो सकता है कि आप इनकी एक्टिंग से जोड़ दें, लेकिन मैं तो कम से कम पीड़ा ही मानता हूं। कितना दुखी थे कि गायों को काटा जा रहा है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, पिंक रेगुलेशन आया हुआ है। वही जब प्रधानमंत्री बन गए तो गौरक्षकों की डोजियर निकलवाने लगे, गुंडे हो गए वो सब। गौरक्षा के नाम पर जो लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने देखा है कि जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। कभी इन्होंने गौ तस्करों की जन्म कुंडली नहीं निकलवाई, डोजियर नहीं निकलवाया। तो इन हालात को देखते हुए ग्रीड प्रजाति के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है रंग बदलने के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सारे उदास थे, मीटिंग बुलाई हुई थी, मैं भी उस रास्ते से गुजर रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, पहले वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा बताओ तो सही हुआ क्या। बहुत मुश्किल से उन्होंने कुछ खुलासे किए। वो खुलासा ये था कि साहब आज हमारी अस्तित्व के ऊपर खतरा है। मैंने कहा कैसे ये सब, तो वो इन बयानों का हवाला देने लगे कि साहब पहले तो हम ही रंग बदलते थे, अब तो लोग भी बदलने लगे, तो फिर हमारी प्रजाति बचेगी तो कैसे बचेगी। तो मैंने कैसे भी करके उनको शांत कराया और कहा कि आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट बुलाया है इसको वापस ले लीजिए। मैं आप लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि आप जिस चीज के लिए जाने जाते थे वो आम जीवन में पहुंच चुका है, तो इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि साहब हम करें तो क्या करें। मैंने कहा आप कैसे भी करके आपको जीना तो पड़ेगा ही, और इस तरह के प्रोटेस्ट करने के भी कोई फायदे नहीं है, क्योंकि वो आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ऐसा करके वो भी महान है। तो ये जो मल्टी टैलेंट है आरएसएस का, जो कि एक संगठन अलग अलग बयान, किसी से किसी को कोई समस्या नहीं। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी के बयान से कोई दूसरा हर्ट हो रहा हो। तो यही तो खूबसूरती आरएसएस की, जो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से जिस तरह से होता है लोगों को अपने पाले में कर ही लेता है। और आपको पता ही है कि दिल जीतने का कार्यक्रम तो चल ही रहा है,
तो ये लोग इस तरह के विरोधाभासी बातें करते हैं, जैसे कोई ज्यादा दुखी ना हो पाए और कोई ज्यादा खुश ना रह पाए, सबको ये लोग बैलेंस करके चलते हैं। चलिए बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलकर रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जाहिर रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।